गैंगस्टर हरविंदर रिंदा जो इस वक्त मौत के घाट उतार दिया गया है, हालांकि उसकी मौत पर अभी भी संशय बना हुआ है। देवेंदर बम्बीहा गैंग सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी ले रहा है कि हरविंदर रिंदा की हत्या हमने करवाई है, जबकि कुछ मीडिया रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है कि रिंदा की मौत ड्रग्स के ओवरडोज से हुई है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं गैंगस्टर रिंदा पर कितने दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं और किस तरह से वो पंजाब के युवाओं का कैसे फायदा उठाता था। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। पाकिस्तान में संदिग्ध परिस्थितियों में मारे गए गैंगस्टर से आतंकी बने हरविंदर रिंदा देश से फरार होने के बाद आईएसआई के इशारे पर पंजाब और हरियाणा के कम उम्र के और छटपट आपराधिक घटनाओं में संलिप्त युवाओं को पैसों का लालच देकर अपने साथ मिला रहा था, जिसमें उसकी मदद गैंगस्टर लखवीर सिंह लांडा हरी के द्वारा की जा रही थी। पिछले कुछ महीने के अंदर कई बड़ी आपराधिक घटनाओं में पकड़े गए आरोपी या तो कम उम्र के थे या फिर वो जिन्हें पैसों की जरूरत थी, और उनकी इस जरूरत को हरविंदर रिंदा पूरा करने के लिए हर समय तैयार रहता था। पंजाब में कई बड़ी वारदातों में संलिप्त रिंदा द्वारा कनाडा में रह रहे गैंगस्टर लंडा हरी के की मदद से अमृतसर, तरन तारन, फिरोजपुर समेत बॉर्डर एरिया से लगते इलाकों में रहने वाले युवाओं का किस तरह से दुरुपयोग कर रहा था, उसका पता उस समय चला जब पंजाब और दिल्ली पुलिस द्वारा चलाए गए संयुक्त ऑपरेशन के दौरान अक्टूबर के महीने में हरविंदर सिंह नामक आर्म तस्कर से एक सूचना मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों जिसमें बलराज सिंह, आतिश कुमार और अविनाश कुमार को AK-47, तीन पिस्तौल समेत अन्य विस्फोटक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस पूछताछ के दौरान हरविंदर ने पुलिस को कहा था कि उसने हथियारों की ये खेप लांडा के कहने पर ली है। उसने ये भी खुलासा किया था कि आतिश के पास अपने पिता के इलाज के लिए पैसे नहीं थे, जिसकी भनक लांडा को लगी तो उसने रिंदा से 2 लाख रुपए की रकम आतिश को भिजवाई। इसके बाद आतिश, जिस पर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं था, दोनों का वफादार बन गया और उनकी तरफ से दिए जाने वाले टास्क को पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो गया। उसी तरह से रिंदा ने पंजाब और हरियाणा के कई युवाओं को पैसों के लालच में फंसाकर अपने गैंग में शामिल किया, जो सीमा पार से रिंदा द्वारा ड्रोन के जरिए भेजे जाने वाले हथियारों, नशे की खेप को ठिकाने तक पहुंचाने के साथ हत्या, हत्या की कोशिश और फिरौती जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। देश से फरार होने से पहले रिंदा पर महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा में हत्या और फिरौती जैसे कई संगीन मामले दर्ज थे, लेकिन पाकिस्तान जाने के बाद वो आईएसआई के संपर्क में आ गया और उसने पंजाब के माहौल को खराब करने के लिए आतंकी घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर दिया था। इसके लिए उसने राज्य में सक्रिय लॉरेंस बिश्नोई और देवेंदर बम्बीहा गैंग से संबंधित प्रमुख गैंगस्टरों के अलावा कम उम्र के युवाओं की एक लंबी फौज खड़ी कर ली थी। मोहाली में सरपंच की निर्मम हत्या करने के बाद फरार हुए रिंदा पर पंजाब पुलिस के हेडक्वार्टर पर ग्रेनेड हमला करवाने के अलावा अमृतसर में सब इंस्पेक्टर की गाड़ी के नीचे बम लगाने, महाराष्ट्र के नंदेड़ में प्रमुख बिल्डर संजय बियानी की हत्या, तरनतारन के कपड़ा व्यापारी गुरजन सिंह की हत्या करवाने समेत दर्जनों वारदातों को अंजाम देने का आरोप है। तो फिलहाल हरविंदर रिंदा की हत्या क्या देवेंदर बम्बीहा गैंग ने कराई है या फिर वो ड्रग्स के ओवरडोज से मरा है, अभी इन बातों के पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि हरविंदर सिंह रिंदा इस वक्त मारा जा चुका है।